गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी अपने लटकते हुए पेट को बहुत जल्दी अंदर करना चाहते हैं तो प्लीज ये आसान सी एक्सरसाइज जरूर फॉलो करें। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र कम है तो भी आप इन वर्कआउट को फॉलो करके अपने बेली को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा पूरा बॉडी तो मेंटेन रहता है, बहुत लोगों की समस्या होती है कि पेट निकला हुआ है, क्योंकि जब हम खाना खाते रहते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं करते तो पेट सबसे पहले हर इंसान का बाहर आता है। तो अगर नॉर्मल है तो ठीक, लेकिन अगर ज्यादा आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है, हम अपनी फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाते और बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीजों को फेस करना बंद करो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और एक खुशनुमा लाइफ स्पेंड करो। तो उसके लिए करना पड़ेगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ये पोजीशन लेनी है, पैरों को फोल्ड करना है, हाथों को पीछे लेके जाना है, हमें अपनी बॉडी को 3 बार ऊपर उठाना है, 1 2 3, फिर स्लो मोशन में बैक जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करके मत झटके मत दीजिएगा जिससे आपका बैक पेन हो जाएगा, लेकिन 3 बार आपको स्टेज में अपनी बॉडी को ऊपर लाना है, बहुत ही स्लो मोशन में नीचे जाना है। हमें करने हैं 10 रैप्स और उसके करने हैं 3 सेट। सांस खींचते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेकिन 3 बार अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, इससे आपके इस वाली एरिया पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और वहां का फैट जो है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने आपको रेकमेंड क्यों करा है कि आपको अपनी बॉडी को 3 बार लिफ्ट करना है, जितना आप अपनी बॉडी को 3 बार लिफ्ट करेंगे उतना ही आपकी पावर यूज होगी और आपके इस एरिया पे लोड आएगा और वहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस होगा। ट्राई करके देखना, अगर आप अपनी बॉडी को 1 बार ऊपर लाएंगे और 3 बार स्टेज में ऊपर लाएंगे तो ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके अपर टमी पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी 1 लेग को रोटेट करना है इस तरीके से, जमीन से टच करे बिना आपको ऊपर लेके जाना है क्लॉकवाइज, फिर हम इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 10 आपने करने हैं क्लॉकवाइज और 10 करने हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको अदर लेग में भी सेम प्रोसेस करना है और आपको 20 के 4 सेट करने हैं, यानी आपको 1 लेग पे 20 के 4 सेट करने हैं। जो सेट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं वेट रिड्यूस करने में, तो सेट्स को अगर अपनी मर्जी से कम करेंगे तो फिर आपका वेट कभी कम नहीं होगा, आपका फैट एज इट इज रहेगा। अब हम करने वाले हैं सेम लेग पे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करने वाले हैं अदर लेग से क्लॉकवाइज। आपको करने हैं 10 सेम। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप हिप के नीचे हैंड रख लीजिए और आपको सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करते टाइम आपका पैर जब ऊपर से नीचे जाएगा तो मैट से टच नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जब आप सर्कल क्रिएट करते हैं तो आपके लोअर और अपर टमी पे बहुत अच्छा लोड पड़ता है। और जब आपने एक्सरसाइज करनी है अपने पेट की मसल को फुला के नहीं बल्कि खींच के रखना है, ताकि उसकी मसल खींचे और आपको पेन हो और वहाँ पे लोड आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने खुद से अपनी मसल को खींचना है नीचे ले जाते टाइम, बिल्कुल सांस अंदर खींचते हुए, ऊपर ले जाते टाइम सांस छोड़िए। आपको करने हैं 10 रैप्स। अब हम सर्कल को रिवर्स में करेंगे। रिवर्स में करने में भी बहुत अच्छा लोड पड़ता है आपके लोअर टमी पे। जब आपका पैर नीचे होता है तो आपने अपनी सांस को खींचना है ताकि आपके टमी पे लोड पड़े। जब आप पैरों को ऊपर से घुमाते हुए आते हैं तो आपको सांस छोड़ना है। ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा जब आपने ये तीन एक्सरसाइज करी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टमी पे कितना लोड आया। बस टमी एक्सरसाइज में हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपको अपने टमी को स्क्वीज करना है सांस छोड़ लेते टाइम, और छोड़ते टाइम आपको बिल्कुल फ्री कर देना है। जब आप स्क्वीज करते हैं उतनी आपकी मसल सिकुड़ती है और वहां पे उतना ही ज्यादा लोड आता है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, रैप्स को भी ध्यान रखेगा, और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे, और मेरे को आप इंस्टा पे ishamhera89, फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेल्थ टाइम, वहां पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।